सो हे गाइस, तो फिर से हम आ चुके थे अनमेस्ट फार हाउस जस्ट इन टू फॉर्म एपिसोड 25 के साथ। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था कि बहुत ही पावरफुल ग्रीन एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और तभी उसी के अंदर से एक इंसान आता है और जो टकला होता है और वो कह रहा होता है कि मैं फाइनली यहाँ आ चुका हूँ। और हमें दिखाया था कि उस इंसान का आइडेंटिटी जो होता है पॉइजन किंग। हम देखते हैं कि चेनफेन जिया और दाइसन रास्ते से जा रहा होता है और तभी वहीं पॉइजन किंग छुपके से उस सभी को देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि हैं मॉर्टल। और तभी अचानक से पॉइजन किंग का नज़र जिया की तरफ जाता है और वो जब जिया की तरफ देखते हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि जिया जो कुछ भी पहन के रखा है वो सब कुछ एम्परर ग्रेड के हैं और पॉइजन किंग को तो ये तो हजम ही नहीं होता है। और वो कहती है क्या एक छोटी सी बच्ची जो एक मॉर्टल है वो जो कुछ भी पहन के रखा है सब कुछ तो एम्परर ग्रेड के है। और तभी पॉइजन किंग कुछ पॉइजन फेंक देता है हवा पे और वो मनी मन में कहते कि आज मैं उस लड़की से सारा ट्रेजर ले लूँगा। और यहाँ पे तभी चेनफेन का नजर उस पॉइजन की तरफ जाता है। फिर चेनफेन जिया को पकड़ के दूसरे हाथ से अपना हाथ को हिलाने लगता है और वो कहते हैं कि सेट कौन इंसेक्ट रिप्लेस पाउडर यहाँ पे फेंक रहा है, वो पागल है क्या। और इधर चेनफेन के हाथ हिलाने की वजह से पॉइजन किंग का जो पाउडर है वो पॉइजन किंग के पास ही आ जाता है और वो मनी मन में कहते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है, ये स्पिरिचुअल पाउडर की वजह से मेरे ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। और हमें दिखाया था कि वो एक फ्रॉग में ट्रांसफर हो जाता है। ये सब सिचुएशन देख के वो पॉइजन किंग यानी वो फ्रॉग वहां से भागने लगता है और तभी वहीं पर दाइसन आ जाता है और वो कहते हैं कि मास्टर का नुकसान करके यहाँ से भागना चाहते हो। फिर हमें दिखाया था कि दाइसन उस फ्रॉग को चेनफेन के पास ले आया होता है और वहीं पे फ्रॉग अपना आवाज में चिल्ला रहा था क्रॉक क्रॉक करके और यानी वो कह रहा होता कि मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। और यहाँ पे चेनफेन कह रहा होता कि दाइसन तुम इतने बड़े फ्रॉग को कहाँ से लाए हो। और तभी जिया अपनी डरावनी नजरों से फ्रॉग की तरफ देखते हुए कहते कि ब्रदर मैं ये फ्रॉग खाना चाहता हूँ, क्या आप इसको ले जा सकते हो और मेरे लिए सूप बना सकते। तो ये सुन के चेनफेन कहते हाँ जरूर। और ये सुन के फ्रॉग कहते क्या। सीन शिफ्ट होता है वही बुड्ढे को यानी एल्डर जियांग को दिखाया था जो इधर उधर देख रहा होता है छुपके से और वो मनी मन में कह रहा था कि वही राक्षस चेनफेन अभी यहाँ पे नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अचानक से एल्डर जियांग के पीछे किंगू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर चेन अभी तक आया नहीं और तुम यहाँ से जाने का कोशिश कर रहे हो। और ये बातें सुनकर तो एल्डर जियांग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, नहीं 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 मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ। फिर एल्डर जियांग किंगू कहते कि तुम दोनों मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मुझे छोड़ दो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उस बुड्ढे की ये बातें सुनकर किंगू अपनी उंगली से पावर बीम फेंकता है उस बुड्ढे की तरफ और वो कहते कि तुम यहाँ पे हो ये तुम्हारी किस्मत की बात है। ये सुनकर एल्डर जियांग कहते कि क्या किस्मत, हाँ। और तभी वो चौंक जाते और वो कहते कि क्या, अरे मैं तो गॉड फिजिक्स पे ब्रेक थ्रू किया हूँ। किंगू कहता है कि आपको सिर्फ लग रहा था कि आपको उसे बेइज्जती किया जा रहा है पर मिस्टर चेन आपको ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहा था, पर आपको तो पता ही नहीं ग्रेटनेस किसे कहता है, अगर आपको जाना है तो मिस्टर चेन के आने के बाद मिस्टर चेन का परमिशन लेने के बाद यहाँ से जाना। किंगू की ये सब बातें सुन के वो एल्डर जियांग मनी मन में कहता कि तो चेनफेन ने कल जो कुछ भी मेरे साथ किया सिर्फ मेरे कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। और तभी भाई चेनफेन आ जाता है और वो कहता है कि किंगू हम सब वापस आ चुके हैं। और यही पे एल्डर जियांग मनी मन में कह रहा होता कि मुझे माफ कर देना चेनफेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद कर रहे हो। चेनफेन का नजर एल्डर जियांग की तरफ जाता है और वो कहते हैं कि ओ एल्डर जियांग आप रिकवर हो चुके और आपको क्या याद आया है कि मैं कौन हूँ। और ये सुनकर एल्डर जियांग कहता कि हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था तो मुझे माफ कर देना रूडनेस के लिए। चेनफेन उस फ्रॉग की तरह इशारा करते हुए एल्डर जियांग को कहता कि हाँ एल्डर जियांग आपका शरीर तो अभी हील हुआ है तो ये फ्रॉग का सूप मैं बना के देता हूँ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका शरीर पे स्ट्रेंथ रहेगा। और एल्डर जियांग उस फ्रॉग की तरफ देखती है वो पहचान जाता है, वो मनी मन में कहते कि हैं ब्लू ग्रीन फ्रॉग, अरे ये तो पॉइजन किंग है। एल्डर जियांग उस फ्रॉग के सामने आके मजाक उड़ाते कहते कि ओ लिटिल पॉइजन किंग कैसे हो, बहुत दिन हो गए हम नहीं मिले। और ये सुन के वो फ्रॉग कहते कि क्रेजी तुम क्रेजी बास्टर्ड। और इधर हमें किंग और चेनफेन को दिखाया था जहाँ पे किंग कह रहा होता कि मिस्टर चेन मैंने तो इंसेक्ट रिप्लेस पाउडर खरीदना भूल ही गया। ये बातें सुन के चेनफेन कहते कि ओ अच्छा, और वैसे तुम्हें पता है कुछ समय पहले हम सभी जब आ रहे थे रास्ते से तो किसी ने हमारे ऊपर इंसेक्ट रिप्लेस पाउडर फेंक दिया था। और तभी वो फ्रॉग चेनफेन के पास जाम काटते हुए कहते कि एक्सपर्ट आपको इंसेक्ट रिप्लेस पाउडर की जरूरत है ना, अब मेरे पास है, आपको कितना चाहिए आप मेरे को बता सकते हैं। फिर वो फ्रॉग अपने मुंह से वो ही पाउडर निकलने लगता है और वो किंगू को कहता है कि आपको जितना पाउडर की जरूरत है आप ले सकते हैं। और इधर चेनफेन मनी मन में सोच रहा होता है कि इस सेनू कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही अमेजिंग क्रिएचर है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक फॉग एक पाउडर निकल सकता है अपने मुंह से। फिर किंगू चेनफेन की तरह मुड़ता है और वो कहता है कि हमारे पास इंसेक्ट रिप्लेस पाउडर खत्म हो गया था,
ये कैसा होगा कि हम ये रख ले। किंगो की इस तरह के रिएक्शन देख के तो चेन फेन की नोज ब्लीडिंग होने लगता है और वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर, और वो पीछे मुड़ के कहते हैं कि किंगो तुम्हें कुछ कहना था। फिर चेन फेन किंगो के एकदम करीब आके कहते हैं कि किंगो तुम्हें पता है दो दिन पहले एल्डर जियांग को कुछ दुश्मन ने अटैक किया था और जिंजू टाउन के अंदर मैंने कुछ नए लोगों को देखा है, क्या तुम मदद कर सकते उन लोगों को ढूंढने में और डील करने में, और हाँ खुद पे ज़्यादा फोर्स मत करना, तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। चेन फेन की ये बातें सुन के तो किंग टोटली शर्मा जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं अभी जा रहा हूँ। और वो मनी मन में कहता है कि मैं मिस्टर चेन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। और इधर जिया को दिखाते हैं जो किंग की ये रिएक्शन देखे मनी मन में कहते हैं कि वाओ कितना क्यूट रिएक्शन है। सिन शिफ्ट तो कुछ लोगों को दिखाया था जहाँ पे उस बुड्ढे के पीछे एक लड़के को दिखाया था जो कह रहा होता कि एल्डर वो पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी इस नेमलेस पीक से ही आ रहा था। ये सुनके वो बुड्ढा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो ढूंढते हैं। सिन शिफ्ट तो किंग को दिखाया था जो बड़े से लोटस के ऊपर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी वो अपने आँख अचानक से खोलता है और सामने देखता है बहुत सारे लोग आ गया होता है और वो सभी चिल्ला रहा होता है कि हाँ यही जगह है, यही जगह है। और ये सब देख के किंगू मनी मन में कह रहा था कि तो वो लोग आ गए। किंगू उस सभी को देखता है और वो कहता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे आके जगलीपना करने का हिम्मत कैसे हुआ। और वो सभी किंगू की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ये औरत कौन है। फिर किंगू उस सभी को कहता है कि घुटने टेक और अपना सबसे पावरफुल ओरा रिलीज करने लगता है और उस ओरा के वजह से वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो चिल्लाने लगते हैं ये क्या है, बाप रे कितना पावरफुल टेरिफाइंग ओरा है। और उनमें से दूसरा वाला बंदा कहता है कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। उनमें से एक लड़की एक बुड्ढे को कहता है कि ये कैसा हुआ कि हम सभी मिलकर उस औरत को मार दे। ये सुन के वो बुड्ढा कहते कि अच्छा ठीक है सभी को रेडी होने के लिए करो। उन दोनों का ये बातें सुन के किंगो अपना स्वॉर्ड एंटेंट निकालते हुए कहता है कि हाँ तुम सब एक चिट्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं हो और फिर वो अपना अटैक कर देता है और किंगो के स्वॉर्ड एंटेंट के अटैक के वजह से वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो इधर उधर तितर बितर करके भागने लगता है, चिल्लाने लगता है बचाओ खत्म सब। सिन शिफ्ट होता हमें चेन फेन को दिखाया था जो पत्थर के ऊपर हथौड़ा मार के कुछ बना रहा होता है। चेन फेन के पीछे हमें किंग को दिखाया था जो चेन फेन के क्रिएशन को देख रहा होता है और वो मनी मन में सोच रहा होता है कि मिस्टर चेन से जैसे उम्मीद थी मिस्टर चेन जो कुछ भी बनाता है वो ट्रेजर बन जाता है और यहाँ पे तो पूरा दाव से भरा हुआ है। और तभी अचानक से किंग को जब सामने देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि सामने जब जो देखता है वो एक अलग ही डायमेंशन में चला गया होता है जहाँ पे एक बड़ा सा गेट होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि तो ये क्या ड्रिलम का गेट है। और फिर किंग मनी मन में कह रहा होता है कि जो लोग सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होता है वही लोग इस जगह पर पहुँच पाता है और मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इस जगह पर पहुँच पाऊँगा, अगर मैं इस दरवाजे को ओपन करता हूँ तो मैं। और तभी चेन फेन किंग को पुकार रहा था किंगू क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो गया। और तभी किंगू अपने होश में आता है और फिर किंगू कहते कि हाँ मिस्टर चेन आपने सही गेस किया था, इस किंगसू टाउन के अंदर कुछ नए दुश्मन आए थे एल्डर जियांग को पकड़ने के लिए तो मैंने उसे डील कर लिया है। ये सुन के चेन फेन कहते कि ये अच्छी बात है ये सॉल्व हो गया है। फिर किंगू कहते कि वैसे आप क्या बना रहे थे। ये सुन के चेन फेन कहते कि तुम मेरे साथ आओ तुम्हें पता चल जाएगा। सिन शिफ्ट होता है हमें दिखाया था कि चेन फेन उसके सभी सबॉर्डिनेट को इकट्ठा किया होता है और वो कह रहा होता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और मैं आज आप सभी को कुछ अनाउंस करने वाला हूँ, मैं आप सभी को बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैंने आज फाइनली डिसाइड किया है कि मैं आप सभी को बताऊँगा कि कौन 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 सा काम हैंडल करेंगे। फिर चेन फेन एक एक करके सभी को कौन सा काम हैंडल करना है सभी को एक एक करके बता देता है। चेन फेन अचानक से किंगो के हाथ को पकड़ के आगे ले आता है और वो कहता है कि आज मैं आप सभी को और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ हमारे खुद का ब्रांड के बारे में और आज मैं और किंगो एक अपना खुद का ब्रांड अनरिवीलिंग सेरेमनी स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर चेन फेन अपना बनाया हुआ क्रिएशन के ऊपर जो पर्दा था उसको हटा देता है और उस पर्दे को हटाते ही उस पत्थर से फोनिक्स व्हाइट टाइगर ड्रैगन हेवेली टाटेल का ओरा रिलीज होने लगता है और पत्थर पे लिखा रहता है अर्थ विलेज। ये देखे किंगो के फादर और किनन के फादर मनी मन में कहते कि अर्थ विलेज। फिर चेन फेन चिल्लाते हुए सभी को कहता है कि आज से इस जगह का नाम होगा अर्थ विलेज और हमारे ब्रांड का नाम होगा अर्थ विलेज। वो सभी जब उस पत्थर के सामने खड़ा रहता है वो एक अलग ही फैंटेसी दुनिया में चला गया होता है जहाँ पे उसके सामने एक अर्थ रहता है और इधर सामने का ये नज़ारा देख के किंग के फादर कहते कि तो ये है फॉर्मिडल लैंड एंशियंट सिटी अर्थ। और किनन के फादर कह रहे होते कितना पावरफुल ओड़ा है तो इस अर्थ के अंदर कितना ज़्यादा एक्सपर्ट रहे होंगे मास्टर के जैसा। हमें हेवेली एल्डर ट्री को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैजेस्टिक
इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर आज से जैसे उम्मीद थी, मैं पूरे ज़िंदगी भर ढूंढने के बाद भी इस जगह को ढूंढ नहीं पाया। हेवेनली एल्डर की ये बातें सुनकर ड्रैगन प्रिंस कहते हैं कि एम्परर किंग, क्या आप एकमात्र ऐसे एम्परर हैं जो सिर्फ इस जगह को ढूंढने के लिए ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए थे? ड्रैगन प्रिंस की ये बातें सुनकर हेवेनली एल्डर कहते कि मैं सिर्फ देख पाया था कि एक नदिया, उस नदिया में येलो कलर के पानी बह रहा था और मैंने देखा था वो मैग्निफिकेंट वेदर, पर ये कुछ भी नहीं है। आज मास्टर ने जो कुछ भी दिखाया, मैं क्लियरली देख सकता हूँ वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है अर्थ का, और उस अर्थ के अंदर सिर्फ लेजेंड इमॉर्टल ही रहता है। हाँ, लेजेंड हमारे जैसा सिंगल लॉन्डे, कुछ भी नहीं, घंटा बैठे बैठे घर वीडियो बनाओ। और इधर हमें दिखा रहा था कि वो अर्थ के टेरिफाइंग पावर के वजह से वो सभी थर थर काँप रहा होता, फिर वो सभी तालियां बजाने लगता है। और ये देखे चेन पर कहता है कि ये सब कुछ आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हो पाया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर चेन फेंग चिल्लाते हुए कहता है कि आज से हम सभी एक साथ काम करेंगे और हमारे ब्रांड को और भी आगे ले जाएंगे। सिन शिफ्ट था, हम एक लड़की को दिखाया था जो अपने घुटने टेके किसी के सामने बैठा रहता है और वो कह रहा होता है कि एम्प्रेस, ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है, हमारे स्पाई ने एक लेटर भेजा है जहाँ पे हमने किंग्स टाउन के अंदर जितने लोगों को भेजा था वो सभी मारे गए। फिर वो इंसान उस लड़की के हाथ से वो लेटर लेते हुए कहते कि ओहो, तो उस सेनु कॉन्टिनेंट के अंदर इतना पावरफुल लोग हैं। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाया था जो एक लड़की होती है और वो लेटर को देख के कह रही होती है कि उस माउंटेन के अंदर कुछ दिनों पहले एक स्वाट QI फील हुआ था, और सबसे बड़ी बात कि उस माउंटेन के अंदर एक ही इंसान रहता है जो मॉर्टल है। इंटरेस्टिंग। फिर हमें उस लड़की का आइडेंटिटी दिखाया जाता है जो होता है जिंक आहाना, जो एक एम्प्रेस है, और वो कह रहा होता है कि ओ चेन फेन, और वो मनी मन में कह रहा होता है कि मैन, तुम पहले इंसान हो जो मेरा अटेंशन हासिल किया है। अरे भोसरी वाली, तू कुछ भी नहीं है, जब चैंपियन के सामने जाएगा तो विगा बिल्ली बन जाएगा। सिन शिफ्ट होता हमें दिखाया था कि एक घर को जो ब्लास्ट हो गया होता है, और हमें फाइनली दिखाया था छत के ऊपर कोई रहता है और नीचे देख के किसी को कह रहा होता कि ओल्डर एम्परर, तेरा ग्रैंडफादर आ गया है, तो घुटने टेक के उसे मुझे वेलकम क्यों नहीं कर रहा है। छत के ऊपर रहे उस इंसान की बातें सुन के एम्परर के एक सबऑर्डिनेट कहता है कि हमारे मजिस्ट्री के सामने रह के मजिस्ट्री को इंसल्ट कर रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहते हो? और हमें गाइस दिखाया था कि कोई छत के ऊपर रह के उस किचन नेप को पकड़ा हुआ रहता है। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये कोई और नहीं, क्यूनियन के फादर यानी एल्डर क्यून है। नीचे उस इंसान की ये बातें सुन के एल्डर क्यून नीचे उतर आता है एकदम बैडेस अंदाज में, और वो कह रहा होता कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और खुद को शर्मिंदा मत करो। और उस पावर, किचन निप के पावर के वजह से वो सामने जो खड़ा रहता है वो पीछे फिसकता है और वो कहता है कि टॉप एम्परर ग्रेड वेपन। फिर एल्डर क्यून कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे मास्टर के ऑर्डर के कारण, जल्दी से सरेंडर कर दो या फिर मर जाओ। फिर हमें दिखाए थे कि बहुत सारे लोग एल्डर क्यून को घेर लिया होता है। ये देखिए एल्डर क्यून मनी मन में सोच रहा था कि छ, यहाँ पे तो बहुत सारे मार्शल किंग रिलम के एक्सपर्ट हैं। फिर एल्डर किंग एम्परर की तरफ एकदम एटीट्यूड के साथ देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास किंग रिलम के साथ बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, पर आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें आधा घंटे के बाद का सीन दिखाया था जो एल्डर किंग को सच में रोक दिया होता है और उसका हालात बहुत ही ख़राब हो गया होता है, और वो कह रहा था कि अरे रुको रुको, ये प्लान किस सबसे नहीं था, तुम लोगों ने मुझे बहुत मारा है। फिर हमें एम्परर को दिखाया था जो एल्डर किंग को कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि तुम यहाँ पे आके जंगली पना करोगे, कुछ भी करोगे, तो क्या हम तुम्हें छोड़ देंगे? तुम सच सच बताओ, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म होने वाला है। उस एम्परर की ये बातें सुन के एल्डर क्यून कहता है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो मुझे किसने भेजा? क्या तुम सच में तुम्हारे मौत की तलाश में हो? ओल्ड एम्परर, मैं तुम्हें अच्छी सलाह देता हूँ, तू मुझसे माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हारी हालत बहुत बुरा होने वाला है। एल्डर क्यून की ये बातें सुन के एम्परर कहते कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे बुरा होने के लिए दोष मत देना। और तभी एम्परर के पीछे से कोई आके कहता कि रुको। हम देखते कि एम्परर के पीछे कोई और नहीं, वही बुड्ढा यानी एल्डर जियांग होता है, और एम्परर उसको ग्रीट करते हुए कहते कि सीनियर जियांग, ये इंसान यहाँ पे आके जंगलीपना कर रहा था, प्लीज़ इसके साथ डील कीजिए। और जब एल्डर क्यून और एल्डर जियांग दोनों का आंखें एक दूसरे से टकराते और वो दोनों एक साथ कहते कि हाँ, फिर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, वहीं पे एल्डर क्यून कह रहा होता कि अरे ड्रांग जियांग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुन के एल्डर जियांग कह रहा होता कि अरे ओल्ड क्यून, तुम्हारे हालत ऐसे कैसे हो गया? और इधर हमें एम्परर को दिखाया था जो उन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वो मनी मन में कह रहा होता कि ये क्या हो रहा है, क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं? एल्डर जियांग की ये बातें सुन के एल्डर क्यून कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि इस कंट्री के जितने सारे एक्सपर्ट हैं सभी को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए, पर तुम्हारे एम्परर ने तो मुझे रोक रहा है। ये सुन के वो एम्परर अपने हाजिर थे, माफ़ कर देना सीनियर, गलती हो गया, आपको ऑफेंड कर दिया, मुझे माफ़ कर देना। एल्डर क्यून वहाँ से जाते हुए कहता है कि
ओल्ड जियांग, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मास्टर का इंटेंशन समझ पाओगे और मैं दूसरा टास्क कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ये सुन के एल्डर जियांग कहते कि ओल्ड क्यों, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? उसके ये बातें सुन के एल्डर क्यों वहाँ से जाते हुए कहते कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद की टास्क मैं खुद कंप्लीट कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, मैं एल्डर केन को दिखाया जाता है जो अच्छी तरीके से टास्क कंप्लीट कर लिया होता है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से मार खा के बैठा रहता है, और वो कह रहा होता है कि हाँ तो तुम डाई डेस्टिनी का एम्प्रेस हो। फिर हमें दिखाते हैं कि एल्डर क्यों किसी और को नहीं वही एम्प्रेस को कह रहा होता है, और वो एम्प्रेस ये सुन के कह रहा होता है कि बातें बदलने का कोशिश बिल्कुल भी मत करना, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो, तुम्हें किसने भेजा और यहाँ पे आने का तुम्हारा पर्पस क्या है। उसके ये बातें सुन के एल्डर क्यों कहते हैं ओ अच्छा, तो डेन डेस्टिनी की तरफ से कुछ स्पाई भेजा गया था किंग्सू टाउन के अंदर, सही है ना? तो अच्छी तरह से तुमको पता ही होगा उस सभी का क्या हालात हुआ था। एल्डर किन की ये बातें सुन के एम्प्रेस कहता है कि तो तुम्हें बहुत कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। एल्डर किन कहता है कि मैं तुम्हें एक सच कह रहा हूँ, वो सभी अर्थ विलेज के अंदर सर्व करने के लिए चुना गया है, और अगर तुम लेट हो जाते हो तो तुम्हारा ये डाइन डेस्टिनी इस दुनिया से मिट जाएगा। और इधर एल्डर की उनकी ये बातें सुन के वो एम्प्रेस कह रहा होता है कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम सच कह रहे हो, और इधर वो मनी मन में कह रहा होता है कि अर्थ विलेज क्या अजीब नाम है। एल्डर क्यून कहता है कि कुछ दिनों पहले एक खतरनाक स्वाड एनर्जी रिलीज हुआ था, मैं आशा करता हूँ कि तुमने भी ये देखा था, और ये स्वाड एनर्जी वही अर्थ विलेज से ही आया रिलीज हुआ है। एल्डर क्यून की ये बातें सुन के तो एम्प्रेस का हार्ट थत्थर कांपने लगता है, और वो मनी मन में कह रहा होता कि ओ माय गॉड, तो वो चेन फैन के बारे में बात कर रहा है। फिर एम्प्रेस अपनी चेयर से उठता है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं खुद पर्सनली तुम्हारे साथ जाऊँगा और अपनी खुद की आंखों से अर्थ विलेज को देखूंगा, अगर तुमने जो कहा वो सच है तो ठीक है, अगर सब कुछ झूठा है तो तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, चेन फैन के जगह का सीन दिखाया था जहाँ पे चेन फैन चिया को कैलीग्राफी सिखा रहा होता है, और वो बता रहा होता है कि पेंसिल को ऐसे पकड़ो और प्रॉपर पोजीशन के साथ घुमाओ, और ये सुनकर जिया कह रहा था कि हाँ ब्रदर मैं समझ गया। और तभी चेन फैन का नज़र पीछे किंगू की तरफ जाता है जहाँ पे किंगू अपना तलवार चलाने का प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वहीं पे किंगू का नज़र चेन फैन की तरफ जाता है, और चेन फैन की तरफ देखते ही वो कहता है कि ओ यंग मास्टर, आपको सिखाना खत्म हो गया? ये सुन के चेन फैन कहते कि हाँ हो गया, और किंगू क्या मैं तुम्हारा स्वाट देख सकता हूँ? ये सुन के किंगू कहते कि हाँ ज़रूर, और चेन फैन कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चेन फैन किंगू की तरफ देखते हुए कहते कि किंगू तुम इस स्वाट की मदद से दुश्मनों के साथ निपटते हो? ये सुन के किंगू कहते कि हाँ कोई दिक्कत है इसमें? चेन फैन किंगू को वो स्वाट देते हुए कहता है कि नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत अच्छी स्वाट है, और वैसे मुझे माफ करना तुम्हारे स्वाट देने पे बाधा डालने के लिए। चेन फैन की ये बातें सुन के किंगू कहता है कि मिस्टर चेन आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप कोई भी बाधा नहीं डाला है। किंगू जब चेन फैन के हाथ से वो स्वाट को लेता है वो देखता है कि वो क्रैक पड़ा हुआ रहता है, और ये देख के तो चेन फैन का हालात बहुत ही खराब हो गया होता है, और वो मनी मन में कह रहा था कि फक ये किंगू का स्वाट क्या मैंने तोड़ा है। और इधर किंग को दिखाया था जो टूटा हुआ स्वाट को देख के मनी मन में कह रहा होता है कि मिस्टर चेन ने मेरे स्वाट को क्यों तोड़ दिया, मैंने क्या कुछ गलती कर दिया है? और इधर किंगू अपने तलवार को पकड़े चुपके से रो रहा होता है, और ये देख के चेन फैन मनी मनी में सोच रहा था कि मैं खत्म। किंगू रो रहा है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, मैं मर गया। चेन फैन किंगू के हाथ को पकड़ता है और वो कहता है कि किंगू तुम एक बार मेरे साथ आओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि किंगू चेन फैन के साथ एक घर के अंदर आ गया होता है, और वहीं पे हमें एक तलवार को दिखाया था, और इस तलवार को देख के चेन फैन मनी मन में कह रहा होता है कि ये स्वॉर्ड हमेशा मेरा फेवरेट रहा है, और मैं जब मेरा सपना था कि मैं जब मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा इस तलवार को यूज करूंगा, पर फॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है कल्टीवेशन का, तो मैं ये कभी भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा, इससे बेहतर होगा कि मैं ये किंग को दे दूं। चेन फैन किंग को वो तलवार देते हुए कहता है कि किंग को वैसे तुम्हारा तलवार तो टूट गया है, तो मैं तुम्हें ये तलवार दे रहा हूँ, तुम ये रख लो। ये सुन के किंगू कहता है कि नहीं ये बहुत ही कीमती है, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? चेन फैन कहता है कि किंगू यहाँ पे मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है, और यहाँ पे ना लेने का कोई बात ही नहीं उठता, और वैसे तुम्हें ये पसंद नहीं है तो अलग बात है। ये सुन के किंगू कहता है कि मिस्टर चेन, और तभी वहीं पे जिया आ जाता है, और वो कहती है कि ब्रदर हमेशा सिस्टर किंगू के ऊपर अच्छा रहता है, और वैसे मुझे कब लिटिल नेफ्यू या फिर नेसी मिलने वाला है? जिया की ये बातें सुन के तो किंगू बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, और वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि जिया तुम नॉनसेंस बातें मत करो, और इधर चेन फैन किंगू को रोक रहा होता है, और इधर जिया हंस रहा होता है ही करके। सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया था, और वहीं पे हमें किंगू के रूम को दिखाया था जहाँ पे किंगू अपने बिस्तर पे बैठा रहता है और अपनी तलवार को निहार रहा होता है,
और तभी अचानक से वो अपने तलवार को निकालता है और वहीं से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। किंगु जब अपने तलवार को सामने रखता है तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि मिस्टर चैन का मैजिकल वेपन से जैसे उम्मीद थी इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी। पर किंगु जब सामने देखता है वो और भी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि सामने रहता है स्क्याड्रिलम का गेट। किंगु अपने हाथों के वहाँ से वो स्क्याड्रिलम के गेट को खोलता है और तभी सिन सीक्रोता में चिनफेन को दिखाया था जो अपने बर्तनों से बाहर निकल रहा होता है और तभी आसमान में बिजलियाँ कड़कने लगता है और आसमान अंधेरा होने लगता है। इधर हमें हैपिली एल्डर ट्री को दिखाया जाता है जो आसमान अंधेरा होने की वजह से कह रहा होता है कि मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था सिक्स दाओ वर्ल्ड क्लैमिटी के। ड्रैगन वाइंस कहते हैं कि पिछले 10,000 सालों में ये पहला इंसान है जो स्क्याड्रिलम वुड में ब्रेक थ्रू किया है और लेजेंड के हिसाब से ये बहुत ही खतरनाक क्लैमिटी है। और हमें किंगू के फादर को दिखाया था जो आसमान की तरफ देख के कह रहा होता है कि किंगू तुम्हें ज़रूर सेफ रहना है। गाइस देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ क्यों कह रहा है, क्योंकि किंगू ब्रेक थ्रू कर रहा है और कल्टीवेशन की दुनिया में जब कोई भी बड़े रिलम पे ब्रेक थ्रू करता है ना तो हेवेनली ट्रिट्रिबेशन के पास करना पड़ता है, मतलब रिजल्ट पे पास करना पड़ता है। मतलब हेवेनली ट्रिट्रिबेशन क्या होता है कि आसमान से बहुत हाई अमाउंट के बिजलियाँ गिरने लगता है उस इंसान के ऊपर जो इंसान ब्रेक थ्रू करने वाला है। अगर वो ये सहन जाता है, मतलब सहन कर लेता है तो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता है, और अगर वो नहीं सहन करता तो वो मर जाता है। सिंस सिर्फ तथा हमें चैम्पियन को दिखाया था जो आसमान की तरफ देख रहा होता है आसमान का ये चेंजेस देख के, और वो कह रहा होता है कि इतनी जल्दी आसमान कैसे बदल गया। फिर चैम्पियन अपने बर्तन से पानी लेते हुए कहता है कि ये वेदर बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी अचानक से आसमान क्लियर हो जाता है और बिजलियाँ कड़कना भी बंद हो जाता है। ये देख के किंगू के फादर तो घुटने टेक देता है और वो कहता है कि क्या गायब हो गया फिर मास्टर के सिर्फ एक शब्द के वजह से। चैम्पियन वहाँ से जाते हैं कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, मुझे सोने जाना है। और किंगू के फादर चैम्पियन को जाते हुए देखता है और वो मनी मन में कह रहा था कि मास्टर आप हेवन को भी बदल सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पे कोई चिल्ला के कह रहा होता है कि एलर्ट जियांग सामने देखता है और वो कहते हैं कि ओ एलर्ट क्यून, और वैसे तुम सिर्फ दो लोगों को क्यों लाए। एलर्ट जियांग की ये बातें सुनकर एलर्ट क्यून कहता है कि मैं वो बाद में बताऊंगा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि मैंने कल रात को एक क्लैमिटी देखा था और वो किसके लिए था, और वैसे भी वो मैंने देखा था कुछ समय के लिए था और वो अचानक से गायब हो गया। एलर्ट जियांग कहते हैं कि वो क्लैमिटी सिक्स दाओ वर्ल्ड क्लैमिटी था और वो मिस या के कारण हुआ था, और आप कह रहे हो कि वो अचानक से गायब कैसे हो गया। वो गायब होने का कारण मास्टर ने सिर्फ कहा था कि आसमान बदलो, और वो कहते ही वो अचानक से गायब हो गया क्लाइमेटिक, और जिसकी वजह से मिस या को कोई भी सफ़र नहीं करना पड़ा और वो स्क्याड्रिलम का एक्सपर्ट बन गया। डायन डेस्टिनी का इम्प्रेस को दिखाया था जो ये सब बातें सुनकर कह रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई कैसे क्लाइमेटिक को रोक सकता है, ये तो हेवन का रूल्स है। इम्प्रेस की ये बातें सुनकर एल्डर क्यून कहता है कि मास्टर का रिलम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो हेवन को भी बदल के रख सकता है, और तुम यहाँ पे एंटर करने के बाद क्या हेवन और अर्थ का स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस नहीं कर पा रहे हो। सिन शिफ्ट था हमें दिखाया था कि वो इम्प्रेस को वो अंदर जा रहा होता है, ये देख के एल्डर क्यून कह रहा था कि ओए ए ये ऐसे नहीं जा सकते तुम। तभी वहीं पे इम्प्रेस के सामने चैम्पियन आ जाता है और वो दूसरी तरफ देखते हुए एल्डर जियांग को बुलाने लगता है कि एल्डर जियांग आप ये प्यार्स खा लीजिए और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए, और वहीं पे दोनों का एक दूसरे से एक्सीडेंट हो जाता है। और अचानक से इम्प्रेस कह देता है कि अभिमान, और गाइस ये बातें क्यों कहा मुझे तो पता नहीं, ये नेक्स्ट एपिसोड पे पता चल जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके जरूर बता सकते हो वीडियो कैसा लगा, और आपका ओपिनियन देना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो मैसेज जो भी करना है करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।